और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता के आपको एक कविता सुनाता हूं। ये क्या कहते हैं, ढिंडोरा किस चीज का पीटते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि देश की 80 करोड़ जनता को राशन दे के गुजारा करना पड़ रहा है, अपने आप में यही फख्र की बात नहीं है, किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। लेकिन ये 5 किलो राशन का ढिंडोरा पीटते हैं, राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ऐलान किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, हम 5 किलो की जगह 10 किलो राशन हर परिवार को देंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा इस देश में, कोई अगर वो नहीं भी कमा रहा है, सबसे पहली बात तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं के अकाउंट में पैसा देंगे, फिर 10 किलो राशन भी देंगे। ये है हमारी योजनाएं, ये है हमारी गारंटी। अब बिहार वालों, आपको फैसला करना है, आपको फैसला करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नदी के दो किनारे की तरह हैं। अगर सरकार बचाओगे तो संविधान नहीं बचेगा, अगर संविधान बचाना चाहते हो तो बिहार को लेके हमेशा 4 पंक्तियां कहता रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आप थके तो नहीं है, गर्मी का ज्यादा असर तो नहीं है, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि मैं लहलातपुर के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। ताली तो अगली पंक्ति पे बजना चाहिए, मैंने सुना है प्रधानमंत्री जी इधर ही कहीं आसपास घूम रहे हैं, पहुंचाइए उनके कानों तक कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। मैं सिर्फ यहां खड़ा होकर नहीं पढ़ रहा हूं, अखिलेश जी गवाह हैं कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी बैठे होते हैं तब भी मैं उनसे सवाल पूछता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। 2014 का भाषण याद है, भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। अब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, तैयार रहना अगर सच्ची बात हो तो, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब पंक्तियां सुनना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उस पर कोई भी हाथ चुप नहीं रहना चाहिए कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत धन्यवाद, आपसे अंत में इतना कहता हूं,
कि आकाश कुमार सिंह को जिताइए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और यह सुनिश्चित करिए कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं चाहता हूं कि 4 जून के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह और इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री शपथ ले रहा हो तो एक तरफ आकाश खड़े हो और एक तरफ इमरान प्रताप गढ़ी खड़ा हो और उनके साथ अखिलेश बाबू खड़े हो, तो मुझे लगता है कि हम जिस भारत का सपना देख रहे हैं वो सपना जरूर पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं और ये वादा करता हूं कि 4 जून के बाद आकाश के जीतने के बाद एक बार आपका धन्यवाद अदा करने के लिए फिर लहलातपुर आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। बहुत धन्यवाद।